हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आर एकेडमी फिरोजाबाद में सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद में शायद आपको थोड़ी सी खुशी का अनुभव होगा। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, पक्की जानकारी सुनिश्चित खबर। तो जी हाँ, हम जब तक किसी खबर को पब्लिश नहीं करते हैं जब तक कि हमें उसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं मिल जाती। तो आज हमें एक पक्की जानकारी मिली है जिसके अनुसार हम कुछ विश्लेषण करेंगे और बताएंगे आपको कि किन 2 तारीखों में आपका TGT और PGT का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो सभी लोग बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा एनालाइजेशन हम करके बताएंगे आपको कि किस डेट में आपका रिजल्ट आने वाला है और किस डेट में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जो लोग भी LT ग्रेड इंग्लिश 2021 के लिए पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी की डिटेल हमने सब कुछ लिख दिया है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो टॉपिक में जैसा कि आप सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक इस भर्ती को कम्प्लीट कराने के निर्देश दे दिए हैं। ठीक है, तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था वहाँ तक तो सभी को मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक इस भर्ती को कंप्लीट कराने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन क्या चयन बोर्ड इस भर्ती को 31 अक्टूबर तक करा पाएगा, इसकी कोई खास सूचना नहीं थी हमारे पास। तो हमें एक खास सूचना मिली है जिसके अनुसार चयन बोर्ड ने ये घोषित किया है कि जहाँ 20 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन हुआ करता था PGT के इंटरव्यू को हील्ड करने के लिए, यानी कि PGT के इंटरव्यू को हील्ड करने से 20 दिन पहले कैंडिडेट के पास में सूचना जाती थी कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन अब यह सूचना मात्र 10 दिन पहले भेजी जाएगी। क्योंकि अगर इतना टाइम हम उसमें लगाएंगे तो भर्ती को पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा चयन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूँ जिसके बाद में आप इसको एनालाइज कर पाएंगे और उसी के अनुसार मैं कुछ अपनी खास सूचनाओं के अनुसार और चयन बोर्ड की सूचनाओं के अनुसार इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा कि किस डेट में आपका रिजल्ट और आंसर की और ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहले तो आप न्यूज़ को देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने न्यूज़ है ये और शायद ये न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी, लेकिन जिस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ उस अनुसार आपने इस न्यूज़ को नहीं देखा होगा। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि TGT PGT सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जो शिक्षक भर्ती है अब उसमें तेजी आएगी। ठीक है, अब तेजी कैसे आएगी कि साक्षात्कार के लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाने की समय सीमा थी वो 21 दिन से घटा दी गई है, मतलब अब उसमें समय कम लगेगा। अब अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए मात्र 10 दिन पहले बुलाया जाएगा। ठीक है, मात्र 10 दिन पहले बुलाया जाएगा, यानी कि जो प्रवेश पत्र होंगे साक्षात्कार के वो 10 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे और ये पूर्व सुनिश्चित है कि 31 अक्टूबर को आपकी भर्ती कम्प्लीट करनी है। ठीक है, तो इसके अनुसार बाकी की सूचनाएं मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, सपोज करिए कि 31 अक्टूबर को ये भर्ती कंप्लीट होनी है तो ये कितने दिन पहले आपको प्रवेश पत्र प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि चयन बोर्ड के जितने भी काम हैं वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो बहुत फास्ट तरीके से आपकी भर्ती ये हो जाएगी। और TGT में जहाँ इंटरव्यू नहीं है तो क्या इसका रिजल्ट पहले आएगा या बाद में आएगा, तो चलिए अब सारी चीज़ों को मैं बता देता हूँ। देखिए, सपोज करिए कि 31 अक्टूबर को भर्ती अब इनको 101% कंप्लीट करानी है, तो मैं फाइनली एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये कि आपको 30 और 31 अक्टूबर को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है ना, ज्वाइनिंग लेटर है आपका वो 31 और 30 अक्टूबर को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 101% मिल जाएगा। लेकिन रिजल्ट कब आएगा, तो TGT की अगर रिजल्ट की हम बात करें, ठीक है ना, TGT की अगर हम रिजल्ट की बात करें जो कि आने की पूरी पूरी उम्मीद है आपकी 25 सितंबर को, दोनों की आएगी, क्योंकि इसके TGT में कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, मतलब 30 सितंबर को आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा, आप क्वालिफाइड हैं या डिसक्वालीफाइड हैं ये आपको पता पड़ जाएगा। उसके बाद में ये प्रक्रिया आपकी रुक जाएगी, 30 सितंबर को ये प्रक्रिया आपकी रुक जाएगी। इधर जब इसका रिजल्ट आएगा PGT का 25 सितंबर को, ये 30 सितंबर को यानी कि 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे किसके इंटरव्यू के लिए, मतलब कितना तारीख हो गया आपका, 10 तारीख हो गया। 10 अक्टूबर को ये एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि लगभग 10 तारीख से ही समथिंग इनके साक्षात्कार लेना शुरू हो जाएंगे। तो साक्षात्कार में कम से कम 5 दिन का टाइम लगेगा, यानी 15 तक ये साक्षात्कार चलेंगे।
अब 15 तक ये साक्षात्कार चलेंगे तो 20 को इनका भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 20 को इनका रिजल्ट आना है। अब इधर इनका रिजल्ट कंप्लीट है तो इनका रिजल्ट आ चुका है, इनका रिजल्ट आना है, 20 को दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, समथिंग इसका 15 को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो 20 से स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 3 दिन काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी और 3 दिन के बाद में सारा काम इनका लगभग 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा और 30 और 31 को आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। ये पूरा पूरा अनुमान है कुछ हमारे गुप्त सूचनाओं के अनुसार और कुछ ये जो न्यूज है आपके सामने इसके अनुसार, क्योंकि हम कभी भी बेफजूली की बातें और बेफजूली की वीडियो लेकर नहीं आते हैं। जब पूरी पूरी संभावना हमको पता पड़ी है उसके बाद में ही हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आई होप कि हमारी बात सच हो जाए और आप लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल जाए, हमारी तो भगवान से यही दुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और LT ग्रेड भर्ती के लिए प्रिपरेशन हमारे चैनल पर हो रही है, चाहो तो उस भर्ती में भाग भी ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।